ये कहानी है जोया की, नहीं वो मुसलमान नहीं। ये कहानी है जोया की, पर वो मुसलमान नहीं, ना ही ये किसी हिंदू की कहानी है। ये एक लड़की की है दास्तान, खुद उसकी जुबानी है। कि जिंदगी से खुश थी मैं, पर शायद जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था। कहते हैं सबकी जिंदगी में बदलाव आता है, मैं भी बदली जब मैं 12 की हुई। कुछ दिनों से दर्द सा हो रहा है, मम्मा कहती है ये दर्द अब हर महीने आएगा। हाँ दर्द होगा थोड़ा, पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। एक साल बीत गए, इस दर्द से लड़ना सीख लिया है मैंने, पर अब एक नए दर्द का सामना करना है। अब तक तो सिर्फ घर वालों से छुपा रही थी मैं, अब उन दुकानदारों के अजीब नज़रों से भी लड़ना है। अब तो आदत सी है ऐसे मुझको जीने में। अल्ताफ मेरा फेवरेट है, पर ये मेरा फेवरेट गाना नहीं, ये मेरी ज़िंदगी की सच्चाई है। क्यों? क्योंकि उन दिनों मैं नहीं रहती, हर सवाल का जवाब देती हूँ मैं, ये स्वभाव है मेरा। पर उन दिनों मैं चुपचाप हर ताने सहती। काली प्लास्टिकों की थ्योरी अब तक मुझे समझ नहीं आती, ना ही समझ आता है मुझे न्यूज़पेपर रैप की वजह। लड़की हूँ मैं, शायद यही है मेरा पाप। उन दिनों खून की आंसू रोती हूँ मैं, शायद यही है मेरी सज़ा। मैं और जोया हमेशा से अच्छे दोस्त नहीं थे। हमारी दोस्ती तब हुई जब एक दिन कॉलेज के बाहर एक केमिस्ट शॉप से मैंने उसको चोरों की तरह निकलते हुए देखा। वो चुपचाप सबसे छुपाते हुए निकल रही थी, पर इससे पहले कि उसके हाथ में जो था वो अपने बैग में छुपाए, मैंने उसके हाथों से वो छीन लिया। हाथों में आते ही मैं समझ गया था उसमें क्या है। मैं और मेरे दोस्त जोर से हंस पड़े। जोया गुस्से में बोली, खुशनसीब हो तुम लोग कि ये दर्द तुम्हें नहीं होता। हम फिर से हंस पड़े, पर इस बार हमारी हंसी में छुपी एक सवाल थी कि भला ये दर्द भी कोई दर्द है? ये इल्ज़ाम हमारा था। हमारी इस हंसी को देख जोया की आंखें दर्द से चीख उठी कि दर्द में भी भेदभाव करते हैं जो उन्हें कुछ नहीं जताना है। ये वो दर्द है जिसकी आह नहीं निकलती। फेमिनिज्म तो काफ़ी दूर की सोच है, इन एडुकेटेड गवारों को पहले इंसानियत का पाठ पढ़ाना है। मुझे मेरा जवाब मिल गया था, उसने कुछ कहा नहीं, पर मैं अपनी नज़रों में भी गिर गया था। उस दिन मुझे एक अच्छी दोस्त मिली और एक सीख भी कि लड़कियों के दुख को समझने के लिए लड़की होना ज़रूरी नहीं, हम कुछ पल के लिए इंसान बन जाए बस यही काफ़ी है। तो मैंने भी एक बात ठान ली कि ये दर्द सिर्फ तेरा नहीं, ये दर्द सिर्फ तेरा नहीं, ये हार हमारी है। तेरे दर्द का भी मजाक बनाया, ये बेशर्मी हमारी है। खून के आंसू रोई तू, खून के आंसू रोई तू, पर खून के आंसुओं से भी नहीं धुलने दिया तेरे आत्मविश्वास पर लगे दाग को। गलती तेरी नहीं, हमें छोटी सोच की बीमारी है। खैर, आज खुशी का माहौल था, जोया की 21वीं जन्मदिन थी, उसने पार्टी में जुबलाया था मुझे, पर उसके चेहरे पे खुशी नहीं थी, उसकी आंखें थोड़ी नम थी। पूछने पर वो कहती है कि 21 की हो गई हूँ मैं, पर अब तक मुझे समझ नहीं आता भला ऐसा क्या गलत कर दिया था मैंने जो उन दिनों भगवान भी मुझे देखना नहीं चाहता। इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था, पर मुझे इतना ज़रूर पता था कि दुर्गा भी तू और काली भी, अरे देख क्या हाहाकार मचाई है, कि दुर्गा भी तू और काली भी, देख क्या हाहाकार मचाई है, तेरे शक्तियों के आगे हार कर तो देवताओं ने भी शीर्ष झुकाई है। पर उन दिनों तुझे तुझसे ही दूर कर दिया हमने, तेरी बेटियों की लाचारी देख शायद तेरी भी आंखें भर आई है। तेरे इस दर्द को जीत समझा हमने, ये बेशर्मी भी हमने क्या खूब निभाई है। और नहीं, बस और नहीं, ये लड़ाई सिर्फ तेरी नहीं, ये दुनिया को साफ साफ बताना है। पर उससे पहले
पर उससे पहले तेरे पवित्रता पे सवाल उठाने वाले को इंसानियत का पाठ पढ़ाना है। ये सुनकर जोया के चेहरे पे एक छोटी मुस्कान थी, उसके आंखों में अभी भी नमी बरकरार थी। वो कहती है कि मुझसे पूछो तो पैट्स की सोखने की शक्ति नहीं, मैं पहले लोगों की सोच बदलना चाहती हूँ। गर होती है हौसलों से उड़ान तो उड़ान से पहले मैं जीना चाहती हूँ। मैं उन दिनों जीना चाहती हूँ। थैंक यू।